केंद्र की भाजपा सरकार के लाए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश के सभी ब्लॉकों में वर्चुअल मीटिंग आयोजित की। इस बैठक को लेकर कांग्रेस किसान सम्मेलन का नाम दिया गया था। छत्तीसगढ़ स्तरीय वर्चुअल किसान सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन रायपुर से एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रदेश के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस मुख्यालयों में और 307 ब्लॉक मुख्यालयों में एक साथ इस वर्चुअल सम्मेलन में लगभग 30,000 लोग जुड़े और सभी स्थानों पर एलईडी स्क्रीन, लैपटॉप और इंटरनेट के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बात रखी। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने खुद को किसान हितैषी बताते हुए और कृषि कानून के विरोध में माहौल बनाने की कोशिश की और इसमें किसानों ने मंडी व्यवस्था को जारी रखने का मुद्दा भी उठाया। सड़कों पर है मगर केंद्र में भूमि भैरी मोदी जी की सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब को। इन पौने दो सालों में जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, किसानों का चाहे कर्जे माफ हो, समर्थन मूल्य हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, लगातार योजनाएं बना रही है।